हेलो एवरीवन, मैं होम करोगे, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ओएम जेलेशन में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आपको फ्रेंड्स रिजर्वेशन चेंज करने के लिए अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो सब जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। और आपने चार्जर होल्डर का वीडियो अभी तक नहीं देखा है जो कि 3D प्रिंटेड है और आपको हर कलर में मिलेगा आपके ओला स्कूटर को मैच करने के लिए, और ये लॉकेबल भी है, तो जल्दी से जाकर वीडियो चेकआउट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कुछ टाइम वेस्ट नहीं करते जल्दी से हमारा आज का वीडियो चालू करते हैं। आपको पता ही रहेगा कि 14 मार्च को ओला ने एक पोस्ट किया था इंस्टाग्राम और उनके ट्विटर हैंडल पे, और जिसमें उन्होंने लिखा था कि 22 मार्च से आप जाके आपका जो फ्रंट सस्पेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर सकते हो, क्योंकि ओला का मानना था कि उनका जो करंट सस्पेशन डिज़ाइन है वो अच्छा ही है, लेकिन जिस तरीके से हर रोज़ एक नया फोटो देखने को मिल रहा था, एक्सीडेंट केस देखने को मिल रहा था जहाँ पर बहुत से सस्पेशन टूटने की इमेजेस वायरल हो रहे थे, तो इस तरीके से लोगों पर बहुत डर हो गया था कि जैसे कि उन बहुत अनसेफ फील कर रहे थे गाड़ी चलाने के लिए, कभी भी उनका सस्पेशन टूट जाने का उनमें डर था, तो लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, बहुत से वीडियोस बन रहे थे कि आप सस्पेंशन चेंज कीजिए, जो न्यू डिज़ाइन आया है उसमें हमें रिप्लेसमेंट करके दीजिए। और फाइनली ओला ने जो कस्टमर की बात सबकी सुनी है, क्योंकि कस्टमर की सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जो 2 लाख गाड़ी उन्होंने अभी तक सेल की है तो उन सबके फ्रंट सस्पेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करेंगे। और आपकी गाड़ी का फ्रंट सस्पेंशन चेंज करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, और अपॉइंटमेंट बुक करने का जो स्लॉट है वो 22 मार्च से चालू होएगा, वो है कल से, लेकिन आज 21 मार्च है, लेकिन अभी से ही चालू हो चुका है बुक करने का और बहुत से लोगों ने बुक किया है, तो आज मैं आपको भी शो करूंगा कैसे बुक करना है। और जो न्यू डिज़ाइन आपने देखा रहेगा कि उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन वो माइनर चेंजेस भी बहुत इंप्रूवमेंट करते हैं फ्रंट सस्पेंशन में। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 एक्स्ट्रा सपोर्ट्स बनाई है और अंदर से भी जो थोड़ा डिज़ाइन चेंज किया, एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड किया है, जिससे कि जो उनका उसका वीक पॉइंट था जहाँ से वो हर बार कट हो रहा था वो सस्पेंशन, तो वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा एक्सेस मटेरियल यूज़ करके वो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, तो इस चीज़ों से हमारी जो गाड़ी में सेफ्टी बढ़ जाती है और हमारा जो कॉन्फिडेंस रहता है गाड़ी चलाने का वो भी बढ़ जाता है। तो अगर आपको ये सस्पेंशन चेंज कराना है, आप ओल्ड सस्पेंशन से खुश नहीं हो, तो आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं आपका अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, तो जल्दी से हमारा स्टेप्स चालू करते हैं बुक करने का। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपके ओला इलेक्ट्रिक ऐप में जाइए और जो लास्ट ऑप्शन रहेगा प्रोफाइल का, तो उस पर क्लिक कीजिए आप। तो आप जैसे ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा कॉन्टैक्ट सपोर्ट का, उस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको 4 काम अपग्रेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और वहाँ पे लिखा है कि शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट फॉर फ्री 4 काम अपग्रेड, तो शेड्यूल ना पे क्लिक करेंगे आप जैसे कि, तो आपको ये सब और टाइपिंग में मैसेज आएंगे थोड़े, जिसमें आपको जो थोड़ा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो बताएंगे कि आपको फ्री अपग्रेड प्रोवाइड करने वाले हैं। और अगर आप आपके जो करंट सस्पेंशन से खुश नहीं हो तो आप आपका सस्पेंशन फ्री अपग्रेड के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको ऐड एन अपॉइंटमेंट डिटेल्स के क्लिक करके नीचे सिलेक्ट लोकेशन एंड टाइम स्लॉट पे क्लिक करना है। जैसे कि आप लोग सिलेक्ट लोकेशन एंड टाइम स्लॉट पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट होंगे दूसरे पेज पे, और वहाँ पे आपको आपका करंट लोकेशन है वो कंफर्म करना है, तो कंफर्म लोकेशन पे क्लिक कीजिए आप, और पहले चेक कीजिए कि आपका जो लोकेशन शो हो रहा है वो बराबर है। तो एक बार आपने कंफर्म लोकेशन पे क्लिक किया तो आप पे दूसरा ऑप्शन आएगा, तो दूसरे ऑप्शन में आपको पूछेंगे कि आपका जो गाड़ी का फ्रंट सस्पेंशन है जो 4K, वो आपको कहाँ सर्विस करके लेना है, आपके घर पे करके लेना है कि आपको कहीं नज़दीकी सर्विस सेंटर पे एक्सपीरियंस सेंटर है वहाँ पे जाके आपको करके लेना है, तो आपको कौन से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप एक्सपीरियंस सेंटर पे क्लिक करते हो नियरेस्ट, तो आपको 2 ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे जो कि सर्विस सेंटर उनका और एक्सपीरियंस सेंटर पे भी चेंज करेंगे, तो आपको जो भी नज़दीकी वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हो और आप अपना जो टाइम स्लॉट है वो बुक कर सकते हो। जैसे कि उन्होंने डेट्स प्रोवाइड किए कि अप्रैल 17 मुझे शो कर रहा है, अप्रैल 17, 18, 19, और जो भी आपको पॉसिबल है तो वहाँ पे आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं आपका ऑप्शन। और अगर आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि वो आपको घर पे आके सर्विसिंग करके दे गाड़ी, तो आप दूसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जब मैंने दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया तो मुझे एक एरर शो हुआ, जैसे कि जो आगे के फ्यू डेज के स्लॉट से ऑलरेडी बुक्ड है, तो जो कोई भी स्लॉट अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने वापस से बैक आके जो हमारा सर्विस सेंटर पर जाके चेंज करने का ऑप्शन था तो मैंने वो ऑप्शन सिलेक्ट किया, और उस ऑप्शन पे सिलेक्ट करने के बाद मुझे सब डेट और टाइमिंग भी शो हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो मंडे अप्रैल 17 का डेट है और टाइमिंग मेरा 4 PM to 7 PM का शो हो रहा है। तो अगर आप उस पर खुश हो तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हो, दूसरे डेट और दूसरा टाइमिंग। तो अगर आप अवेलेबल हो उस टाइम पर तो कन्फर्म अवेलेबिलिटी पर क्लिक कीजिए। तो एक बार आपने कन्फर्म कर लिया तो आपको एक मैसेज आएगा कि थैंक यू फॉर शेड्यूलिंग द अपॉइंटमेंट, और ध्यान रखिएगा अगर आपने एक बार अपॉइंटमेंट बुक कर लिया तो आपको चेंज करने का ऑप्शन वहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया टाइमिंग तो वो टाइम ही आपका जो अपॉइंटमेंट है वो फिक्स हो जाएगा, तो ध्यान से आप सिलेक्ट कीजिए आपको कौन सा टाइमिंग चाहिए वो। और अगर आपने एक बार अपॉइंटमेंट बुक कर लिया तो आपको फिर
वहाँ पे और ऑप्शन नहीं शो होएगा कि अगर आप नेक्स्ट टाइम बाहर आके वापस ऐप में जाओगे और वापस से जो सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ आपका जो अपॉइंटमेंट डेट और टाइम है वो शो करेंगे, वो ना कोई एडिट का ऑप्शन रहेगा ना न्यू अपॉइंटमेंट का ऑप्शन रहेगा, तो आप ध्यान रखिएगा उसका। और उसके बाद आपको ईमेल भी आएगा जिससे कि आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगा, और उस ईमेल में आपका गाड़ी का वीन नंबर और आपका डेट और टाइमिंग उसमें लिखा रहेगा कि जिससे कि वो आपका फिक्स हो जाएगा अपना टाइमिंग स्लॉट अपॉइंटमेंट का। तो उससे आपका फुल प्रोसेस रहेगा कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो तो मैं जब 17 तारीख को चेंज करने जाऊँगा सस्पेंशन, उस टाइम पर बनेगा। तो आपको मैं फुल डिटेल्स आपको शो करूँगा कि मेरा जो ओल्ड सस्पेंशन और न्यू सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है, वो कैसे चेंज करके दे रहे, कितने लोग वहाँ पे लाइन में किसी मेरे मुझे सेपरेट एक स्पेशल स्लॉट दिया है, और वो सब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।